करीबन 6 से 7 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पे डायनासोर हुआ करते थे। आज तो वो नहीं है, लेकिन उनके अवशेष आज भी अवेलेबल है, जिसे आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, होप यू डूइंग फाइन। माय नेम इज़ मेहुल सोलंकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं डायनासोर फॉसिल पार्क, जो बालासिनोर के रैयोली विलेज में है। ये जगह अहमदाबाद से करीबन 110 किलोमीटर और बालासिनोर से करीबन 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये फॉसिल पार्क में बहुत सारे डायनासोर्स के फॉसिल्स अवेलेबल है। फॉसिल्स का मतलब होता है अवशेष, यानी कि जीवाश्म। इस पार्क के बिल्कुल ही पास में है एक म्यूजियम, जहाँ पे डायनासोर रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ऐसा माना जाता है कि उस समय यहाँ पे बहुत सारे डायनासोर थे। उनमें से एक बहुत ही शक्तिशाली डायनासोर था, जो बाकी डायनासोर को खा भी जाता था। वो डायनासोर के माथे पे राजा के मुकुट जैसा एक सिंह हुआ करता था, और वो डायनासोर अक्सर नर्मदा नदी के किनारे ही हुआ करता था, इसीलिए उसे राजा सोरस नर्मदेंसिस कहते हैं। तो चलिए ये देखते हैं, ये फॉसिल पार्क। ये डायनासोर फॉसिल पार्क दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डायनासोर फॉसिल पार्क है। सबसे बड़ा फॉसिल पार्क फ्रांस कंट्री में है। यहाँ पर बालासिनोर से लेकर दोहरी डुगरी तक डायनासोर के फॉसिल्स पाए गए हैं, और मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी काफ़ी सारे फॉसिल्स मिले हैं। डायनासोर एक ग्रीक वर्ड है। डायनोस का मतलब होता है टेरिबल, और सोरोस का मतलब होता है लिजार्ड, यानी कि टेरिबल लिजार्ड, जिनमें से डायनासोर वर्ल्ड बना। यहाँ पर 1981 से लेकर 1984 तक, यानी कि करीबन 4 साल तक, जियोलॉजिस्ट द्वारा संशोधन चलता रहा, जिनमें से बहुत सारे फॉसिल्स पाए गए। यहाँ पर टोटल 7 डायनासोर्स के अवशेष मिले हैं, जिनमें से 3 डायनासोर के करीबन पूरे स्केलेटन मिले हैं, और उनके नाम हैं टाइटानोसोरस, राजासोरस, रेयलीसोरस। और ये स्केलेटन राजस्थान के जयपुर म्यूजियम में रखे हुए हैं। बाकी 4 डायनासोर के कुछ ही अवशेष मिले हैं, और उनके नाम हैं टायरानोसोरस, इग्वानोडॉन, मेगालोसोरस, ट्राइसेप रेप्टोस। कुछ डायनासोर सिर्फ पेड़ पौधे ही खाते थे, जिसे हर्बीवरस डायनासोर कहते हैं, और कुछ डायनासोर मांसाहारी थे, जिसे कार्निवरस डायनासोर कहते हैं। जो डायनासोर सिर्फ 2 पैरों पर ही चलते थे, उन्हें थेरोपोड्स कहते हैं, और जो 4 पैरों पर चलते थे, उन्हें सोरोपोड्स कहते हैं। सच में आज तक हमें पता ही नहीं था कि डायनासोर रिलेटेड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ भी अवेलेबल है। अगर जुरासिक पार्क जैसी मूवी बनी ही नहीं होती, तो डायनासोर जैसा बहुत बड़ा एनिमल इस पृथ्वी पे था, वो काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता। डायनासोर फॉसिल पार्क के बिल्कुल ही पास में है डायनासोर म्यूजियम। यहाँ पर पार्किंग और रेस्टोरेंट की फैसिलिटी तो अवेलेबल है ही, और उसके साथ हैं डायनासोर रिलेटेड बहुत सारी टेक्सचुअल और विजुअल इन्फॉर्मेशन। डायनासोर म्यूजियम में पर पर्सन एंट्री टिकट 50 रुपये और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़ है। इस म्यूजियम का टाइमिंग सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का है। मेरे हिसाब से अगर आप डायनासोर फॉसिल पार्क तक आ रहे हो, तो आपको डायनासोर म्यूजियम ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं ये म्यूजियम कैसा बनाया गया है, और यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। डायनासोर जनसंख्या के आश्रय 20 करोड़ वर्ष पूर्व क्रायोजेनिया धरती पर जीवन का अंकुर फूटा था, परंतु कालक्रमे महाकाय जीव विनाश पाया था।
परंतु ते बनने क्या है माया नाता। फोसिल पार्क से बाला सिनोर वापस जाते हुए रास्ते में आएगी ये बहुत ही खूबसूरत जगह। इस जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।